मैन्युफैक्चरिंग करते रहिए, बोलते रहिए हमेशा अच्छा चीज, और कब पूरा हो जाए ऊपर वाला। नान का असली स्वाद तो आता है ढाबे वालों में, ठीक है, पसीना की। 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु थिंक्स कि मम्मी ही सब कुछ कर सकती है, हम लोग नहीं। देखो आपके लिए मंगाए हैं 6 बैंड है, ये मंगाए हैं, आज रिद्धि स्कूल जाएगी ये सब पहन के। ये तो दादी का चूड़ी है और ये रिद्धि का चूड़ी है, देखो। नहीं ठीक है, ये रिद्धि का चूड़ी पहन के जाएगी, दादी के अपने लिए चूड़ी मंगवाई, तो ये सब मंगवाए, ये सब ऑलरेडी इसमें ब्रूच है वो अभी लगाएंगे, ये जब ड्रेस पहन लेगी कपड़ा पहन लेगी तब। हाँ आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मस्त होंगे। रिद्धि को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कि कितना देर रहती है क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ऑफर मिला है 15 अगस्त का, तो चल रहे हैं दे देते हैं कुछ दिन, अपना देखते हैं कि क्या करती है वहाँ। तो अभी तैयार हो गई है, थोड़ा सा लेट उठी है तो लेट ही भेज रहे हैं, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 15 अगस्त और आज हम लोग जा रहे हैं रिद्धि का एडमिशन करवाने के लिए, नहीं एडमिशन करवाने नहीं, 16 अगस्त मतलब 16 सितंबर को होता है ना, तो एक महीने पहले से सोच रहे हैं कि अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए। हमें पता है कि ब्लॉग काफी लेट देख रहे होंगे आप लोग, काफी टाइम हो चुका है, ज्यादा पुराना नहीं है, जुलाई का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है, शादी वाला है तो वो बचा हुआ है, वो डाल देते हैं पहले, आप लोग भी एंजॉय कर लें थोड़ा बहुत मूवमेंट। बाकी माता जी हमारी वैसे ही सुबह से उठ के सारा काम कर ली, घर से निकलने के वक्त में हम अभी ब्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट, जबकि इनको सुबह से करना चाहिए था। तो फिलहाल सामान मंगवाई है वो तो दिखला दी है कि देखिए हम रिद्धि के लिए क्या क्या चीज मंगवाए। बताइए आप ही लोग बताइए, क्या ये इंसाफ है? वैसे शुभम की आवाज पसंद नहीं है लोगों को, मैं बोलती है, बोलो भाई, बोलो इतना पीछे, जोर से बोलो ना। इंडिपेंडेंस डे किस दिन मनता है? आज इंडिपेंडेंस डे, थप्पड़ दम 26 जनवरी को मनता है। 26 जनवरी को कौन बोल रहा है? सगुन बोल रही है। कहाँ बोले? अच्छा ये कॉमेडी, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया कोशिश थी आपकी, नहीं मजा आया मगर हंसी भी नहीं आई, कोशिश दादू गिरा रहे हैं, पापा गिरा रहे हैं। आज बना रहे हैं हम चाप, लाई चाप, मलाई चाप नहीं, सोयाबीन चाप। क्या हुआ वहाँ पे? और ये फ्राई करने जा रही हूँ, बॉयल कर ली, ये तो बताओ वहाँ पे क्या? इसमें हल्दी नहीं डाली थी मैं, तो ये सुहम हेल्प कर रहे हैं मेरा। और आज मैं गई थी, रिद्धि का एडमिशन हो गया, बहुत अच्छा स्कूल में हुआ है आप लोग के आशीर्वाद से, अब रिद्धि बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा करेगी और अच्छा से अब स्कूल जाएगी। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि अच्छा से रहे, अच्छा से करे, स्कूल जाए। और स्कूल का फंक्शन था इसलिए दिखाई नहीं है, मना था वहाँ पे करना, वहाँ पे बच्चों की प्राइवेसी है, बच्चों की प्राइवेसी है तो इसलिए मना था। और अपनी प्राइवेसी के कारण, अपने बच्चे की प्राइवेसी के कारण मैं स्कूल का पूरा ये नहीं दिखाई, क्योंकि आपको पता ही है कि नोएडा तो इतना सा छोटा सा है, तो इसलिए। और सभी कोई अपना नहीं होता, बहुत लोग इसमें, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाई कि किस स्कूल में कहाँ एडमिशन हुआ। और बस आप लोग आशीर्वाद दो, और अब नए नए ब्लॉग आएंगे, अब आप लोग सोच सकते हो मैं अगर दिखाऊंगी ना कि अभी भी बाकी है, और घर चेंज करने में, और अपने घर में नहीं गए हैं अभी, अभी बगल में ही लिए हैं घर, उसी में है फ्लैट लिए हैं, तो पूजा करवाना जरूरी होता है, कोई भी घर में आओ, आप नया आओ ना तो पूजा करवाना, हवन करवाना जरूरी होता है। आपे के साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस कारण से करना पड़ा, नहीं हुआ ना, तीन चार पूजा, भगवान का भी मूर्ति वो थी टूट गया था, वो भी मैं सब ठीक की उसको, तो बहुत कुछ नुकसान हो गया, और थोड़ा सा लोग अस्त व्यस्त, मतलब कि स्वस्थ नहीं है लोग इस कारण, और मैं सोची कि नहीं पूजा करवा ले। क्या होता है ना कि मेरा गुड़गांव जो हो गया है, तो सुबह 7:30 बजे निकलना और रात में 9:30 वापस आना, तो इसलिए एडिटिंग करने की हिम्मत देते हो, बाइक चला के जाना तो पूरी हालत खराब हो जाती है। नहीं वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, और ये मैं जा रही हूँ अभी मसाला, थोड़ा सा कम तेल में डाल के मसाला जा रही हूँ भूनने अभी पूरा,
उसके बाद आज बनाऊंगी मसाले वाली सोया चाप, मतलब कि क्रीमी सोया चाप। क्या कौन सा कह रहे थे? वही ना क्रीमी ना, होटल टाइप से क्रीमी, थोड़ा सा तीखा वाला, मीठा वाला नहीं। और गर्मी इतनी है ना कि मत पूछ। सोया चाप ये फ्राई कर रही हूँ मैं, उसमें अब इतना तेल था इसलिए ये कर लिया, जला हुआ तेल थोड़ा नहीं रखते है ना, पूरी बनाए हुए थे उसी में फ्राई कर ली मैं, क्योंकि ठीक रहेगा इसमें फ्राई करके, फ्राई करने वाला जो भी सामान है तो इसमें फ्राई करते रहे, क्योंकि उसमें सब्जी बनाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जीरा इसमें डाल दिए है, अब प्याज डाल देते हैं। प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो फिर टमाटर डालेंगे और मसाले डालेंगे। अभी किचन का सफाई करना है हमें थोड़ा सा, और सबसे बड़ी चीज है ना कि यहाँ मेड नहीं मिल रही है, मेड बिना बहुत काम खराब हो रहा है, मेड का आदत लगा रहता है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो मेड नहीं मिल रही है, खुद करना पड़ रहा है सब कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और हेल्पिंग हैंड शुभम थे तो शुभम सुबह जाते हैं, शाम को रात को आते हैं, तो मेन चीज है सगुन का भी नाइट ड्यूटी रहता है, पूरे मंथ ही उसका तो नाइट ड्यूटी है। चलिए अब रिद्धि जाएगी स्कूल तो 2-3 घंटे टाइम मिलेगा, फिर करेंगे कुछ अच्छा अच्छा। ये गलती हुआ है हमसे कि पहले निकाल लेते स्टिक, निकाल लेते स्टिक निकाल के किए हैं, क्योंकि अभी गरम गरम में ये चिपका हुआ है, एक तो निकल गया और कटिंग में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए पहले ही कटिंग करके फिर ये फ्राई करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा चिमड़ा टाइप से हो जाता है तो फिर फ्राई कटिंग नहीं हो पाता है। तो सब कोई अपनी गलती नहीं बताता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कोई कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है अपने कुकिंग में, तो वो काम नहीं करना चाहिए, निकल तो जाएगा लेकिन अब ये देखिए कटिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा टूटने का डर रहता है, तो ये अच्छा से कट भी रहा है, अजब बेइज्जती है। गलती इतनी परफेक्ट गलती नहीं निकली। हो गया था तो उसके बाद टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के हम इसमें जो सोया चाप मसाला लाए हैं वही मसाला पूरा डालेंगे, और उसके बाद पीस देंगे इसमें लहसुन, ये छील के ही कलियां डालेंगे, ये साबुत कलियां है इसको छील के डाल देंगे, अलग से लहसुन नहीं, थोड़ा सा क्योंकि लहसुन का भी जो कचापन है तो हट जाएगा, तो ये इसको छील के ऐसी तरह कटिंग करके डाल देंगे। मिर्ची डाल दी है थोड़ा सा, एक्चुअल में सोया चाप मसाला जो है उसमें वो भी तीखा होता है, बट तीखा तो होता है तो हमें क्रीम डालना है, तो क्रीम डालेंगे ना तो इस कारण से थोड़ा सा ज्यादा भी तीखा रहेगा, तो कोई बात नहीं। तो अभी ये डाल दी है दोनों चीज, हल्दी और मिर्ची डाल ली है, अब डालते हैं सोया चाप मसाला है तो इसको डालेंगे, इसमें 1 किलो हमारा है तो सोया चाप मसाला तो इसका आधा डालेंगे, ये 2 पार्ट है तो 1 पार्ट डालेंगे, 2 ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा मसाला डाल के नहीं बनाती हूँ, तो ये 1 डालूंगी 1 नहीं डालूंगी। यस, तो ये पूरा डाल देंगे और इसमें अब कुछ नहीं डालेंगे, लहसुन भी डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, ये थोड़ा सा फ्राई करके, ये चीज हम अगर ये पीस के भी उसके बाद भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन जब अगर इसको प्याज के साथ ग्राइंड कर देंगे ना तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, मीठापन आ जाता है मसाले में, तो ये थोड़ा सा भून के उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे, तो ये अभी पानी पूरा छोड़ दिया है, अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए चूल्हा बंद कर दूंगी, चूल्हा ऐसे नहीं बंद होता है, ऐसे बंद होता है फिर भी नहीं दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके फिर पीसेंगे, सॉरी ग्राइंड करके फिर इसको फ्राई करेंगे, पूरा मसाले को पकाएंगे और फिर इसमें क्रीम डाल के भूनेंगे और फिर सोया चाप डाल के ये कर देंगे। अब ये ठंडा हो गया तो आराम से निकल गया पूरा,
एक ये है, तो ये ऐसे करके, क्योंकि ये लकड़ी के साथ कभी नहीं करना चाहिए, हमको उस पर ध्यान नहीं रहा, इतना ये निकल जाता है पूरा। अब इसको कटिंग कर देंगे। किचन का टिप्स एक ये चीज है, जो कि अगर चाकू से कटने में तो एकदम ये हो जा रहा था, ठीक से नहीं कट रहा था, तो ये सीजर लीजिए और सीजर से आराम से बराबर से कट जाएगा। और छोटा छोटा पीस कर दो, पता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, होटल वाले जो होते हैं ना, इतने गोल गोल कर देते हैं, छोटे छोटे कर देते हैं, अच्छे से मसाला जाता है अंदर, वो टेस्टी लगता है। हाँ, वो तो टिफिन में भी कल मैं ले जाऊंगा अगर, तो सही से हो जाएगा। देखिए अभी बता दिया, कल टिफिन में ले जाऊंगा, इसलिए बढ़िया से बनाइएगा। अभी ये ठंडा हो गया है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे, क्योंकि मिक्सी मेरा अभी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करेंगे। आधा अभी कर ले रहे हैं, फिर आधा करेंगे ग्राइंड। थोड़ा सा पानी डाल के, पानी फेंक देंगे, पूरा जग का पानी गिर गया है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है प्यासा। ये हो गया है पूरा, पिस गया है, अभी इसको इसमें डाल देंगे। क्या हो तो खाना बनता है तभी तो गंदा होता है। तो ये हो गया है, क्या हो गया? इसमें तेल डालूंगी मैं अब कढ़ाई में, थोड़ा सा ज्यादा तेल नहीं डालूंगी, सरसों का तेल डालूंगी। तेल डाल दिए हैं अभी तो, तुरंत कढ़ाई चढ़ाए हैं, सरसों का तेल डाल दिए हैं। अब उसी मसाले का, धोए नहीं है कढ़ाई, उसी मसाले में, ये मसाला है इधर इतना और उसमें है पूरा, तो दोनों को भूनेंगे पूरा से, और उसके बाद भूनते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे क्या आगे करेंगे, आगे का प्रोसेस आगे दिखाएंगे। तेल गरम हो गया है पूरा, तो उसमें मसाला डाल दिए, और अच्छा से मसाला, मतलब कि थोड़ा सा, सुबह बोले थे कि तीखा बनाना मम्मी, तो ये पूरा मसाला हो गया, अच्छा से मसाला पीस गया है। ये ऐसे भी मैं कुकर में बना सकती हूँ ऐसा मसाला, लेकिन अब जल्दी जल्दी में बनाना है, देख नहीं रहे, छुट्टी का दिन है तो एकदम लगा हुआ है, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। देख लीजिए शादी होने के बाद, शादी होने के बाद नहीं, बीबी सोई हुई है, हम काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट करके आई है ना, यही तो प्यार है, लड़ते भी हैं दोनों और इतना वो भी करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। नहीं सुबह सुबह गई है, एडमिशन करवाई है गुड्डू का, उसके बाद आके अपना सोई है थोड़ा, फिर जगेगी शाम में, मुंह दिखाएगी, हंसेगी और चली जाएगी फिर ऑफिस, क्योंकि आज तो खाना बना ही हुआ है। लच्छेदार पराठा खाया जाता है ना मम्मी इसके साथ, कौन सा खाया जाता है? लच्छेदार पराठा, तो उसके लिए फर्मेंटाइज करना होगा ना, मगर मैदा होता है, छोड़ो चलो रोटी खा लेंगे। मैं तो बोलती हूँ भाई तेल छोड़ दे, और सगुन बोलती है तेल सेपरेट हो जाए, तो भाई सगुन के भाषा में तेल जब तक सेपरेट होता है तब तक हम थोड़ा ठंड में बैठ जाती हूँ पंखा में। मैं शादी का वीडियो डालूंगी, वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, तो पेयर करके वीडियो मतलब सब बनाया था। नहीं शादी का इसलिए तुरंत नहीं डाल पाए क्योंकि हमको तुरंत घर शिफ्ट करना था, घर खोजना, दो दिन के अंदर में घर ढूंढना और रेडी करना, जो क्योंकि जो हम घर यहाँ से रांची जाने से पहले हम घर फाइनल करके गए थे, तो वो काफी दूर पड़ रहा था, बच्चा लोग देख लिया था, फाइनल कर लिया था लोग, लेकिन वो हमारे फ्लैट से काफी दूर पड़ रहा था, यहाँ रिधि का एडमिशन होता तो बहुत दूर रहता, हाँ दूर रहता, तो रिधि का भाई एडमिशन कराना बहुत जरूरी था। हमारी सखी कहिए, दीदी कहिए, ननद कहिए, जो कहिए, जो हमारे साथ हरदम रहती है, वो एकदम मेरा सर खाई हुई थी कि नहीं एडमिशन कराओ, एडमिशन कराओ, तो खैर बहुत सबसे ज्यादा खुश हुई है वो जब दीदी का एडमिट बोले कि एडमिशन हो गया, तो कहे कि चलो अच्छा हुआ, अच्छे स्कूल में हुआ है आपको, पैसे मार्च से। मम्मी ने बचपन में मुझे बोला था उस स्कूल में करवाने का, मैं बहुत छोटा था, अरे नाम नहीं बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं ये चीज, देखो वही कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहिए, बोलते रहिए हमेशा अच्छा चीज, और कब पूरा हो जाए ऊपर वाला कुछ नहीं कह सकते। मम्मी ने बचपन में कहा था कि हम भी पोता पोती होंगे ना, बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाए अच्छे स्कूल में, मगर इसमें पढ़ाएंगे, बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पाए थे कि भाई हम लोग को एयरफोर्स में उतना पैसे नहीं मिलता था, और उस वक्त भी एयरफोर्स स्कूल में था, एयरफोर्स स्कूल था, और भी अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, और फिर केवी में पढ़े हम लोग, पढ़ा तो इसलिए नहीं हम लोग किए, रिधि का भी हम फर्स्ट से केवी में ही करवाएंगे, और कहाँ करवाएंगे सो देखते हैं ऊपर वाला कहाँ करता है, अगर ये लोग बाहर चले गए, बाहर हो गए, नहीं नहीं बाहर नहीं, भारत छोड़ के कहीं नहीं, बाहर नहीं भारत छोड़ के हम कहीं नहीं जाए, दो पैसा कमाएंगे यहीं पे, हाँ रिद्धि पापा के पास चली गई तो क्या कर लोगे, अब देखेंगे डिपेंड करता है, अब ये मैं वीडियो में बोल दूं कि नहीं जाएंगे, पता चला चला गया मैं ही, तब कर आएंगे मुझे, डिपेंड करता है कि नहीं रेडी,
फ्यूचर किसने देखा है। अब यहाँ पे कंपनी से सैलरी मांगो तो कंपनी कहती है अरे क्या करोगे पैसा लेके कंपनी वाले कहते हैं दे देते हैं मगर फिर भी तो नहीं यहाँ भगवान कचुड़ यहाँ ठीक है पहले वाला जैसा नहीं है ठीक है वही है कंपनी लेकिन सुधर गए हैं लोग तो भाई तेल थोड़ा थोड़ा सेपरेट हुआ है अभी इसमें मलाई डालना है और मलाई क्या करे मैं तो फेंक दी ये हो गया पूरा अच्छा से हो गया है अब मलाई फेंक दिए कि भाई एक्सपायर हो गया था जून में ही तो वो तो डालेंगे नहीं अभी जा रहे हैं मलाई मंगाने तब तक के लिए इसको बंद कर देते हैं नहीं तो जल जाएगा ज्यादा जला हुआ अच्छा नहीं लगेगा ऑलरेडी जल चुका है एक्चुअल में सगुन अब आदत बिगाड़ दिए है दो तीन महीने से घर पे थी नहीं सर घर पे ड्यूटी था तो मैं किचन में नहीं आती थी आप लोग देखते होंगे कि मैं किचन में नहीं आती थी पूरा अपना उधर ही दीदी में ही लगी रहती थी तो इसलिए अब थोड़ा सा कुछ का नाइट ड्यूटी पड़ रहा अभी सोई हुई है एडमिशन करा के आया उसके बाद वो सो गई है तो अब सुबह लेके आया चाप की मम्मी चाप बना दो जैसे पहले बनाती थी तो वही चाप बनाने के लिए अब बार बार बोल रहा है मम्मी रुमाली रोटी खाया जाता है मम्मी तंदूरी रोटी कैसे बनता है तो अब जा रही हूँ मैं तंदूरी रोटी बनाते हैं रुमाली रोटी तो उतना बहुत ज्यादा दो मैं खान देता जल्दी से ईस्ट भी है ही अपने पास हाँ। अच्छा दूसरा चीज कि एक चीज मैं बताता हूँ मम्मी नो डाउट शगुन भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है नो डाउट शगुन पार्टी वार्टी का बहुत अच्छा हाँ। मगर मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो अनबीटेबल है वो शगुन भी बोलती है माँ जैसा सब्जी बनाती है वैसा कोई नहीं बनाता है नहीं शगुन अब ले ली है मेरा थोड़ा सा हाथ का ये थी है नहीं, इसमें आ गया मगर ये सब चीजें हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कटहल का सब्जी हुआ कुछ हुआ बैगन की सब्जी हुआ ये सब चीज कुछ होता है तो कहते ना अच्छा पता है जो हम लोग का केटरिंग का काम था ना मम्मी फिर अभी जस्ट हम लोग वही बात कर रहे थे अभी हम लोग सोच रहे थे आप लोग बताना कि केटरिंग का काम शुरू करूं या ना करूं क्योंकि अब दीदी ने स्कूल जाने लगेगी तो मॉर्निंग आवर्स का केवल नाश्ता का करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्लाउड किचन टाइप से करेंगे तो टिफिन सर्विस टाइप से हो जाए क्लाउड किचन क्या कहते हैं वो सब क्लाउड किचन करो हाँ क्लाउड किचन का करेंगे देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं तो हमारा सत्तू भरा रोटी प्याज कचौड़ी ये दो चीज बहुत फेमस था जब मैं अपना बनाती थी अपना किचन था तो अपना किचन मीन्स की कैटरिंग का काम था तब मैं बनाती थी यही दो चीज मेरा बहुत डिमांड आता था प्याज वाला कचौड़ी का तो वो मैं देखती हूँ अभी कल तो नहीं परसों इसकी छुट्टी है तो परसों बनाऊंगी परसों कहाँ है सैटरडे भी नहीं होती है अच्छा सैटरडे नहीं संडे ही होती है छुट्टी होती है अब आप लोग समझ जाइए कि यहाँ से 3 घंटे गुड़गांव जाना 3 घंटे आना 6 घंटे तो ऐसे ही खत्म मेरे और भाई मत ऐसा बोला करो कि शुभम की आवाज ये वो नहीं नहीं वो सही चीज में बोलती है वो इसलिए बोल रही है अच्छा हाँ और पहले ये बताओ थोड़ा सा इसकी थोड़ा बहुत जहाँ हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं या गड़बड़ हो जाता है तो ये बोल देता है नहीं तो ऐसा नहीं बोलता है हम ही लोग बोलते हैं तो ये चीज है और सिन्हा जी को थोड़ा सा समझाइए आप लोग ये भी वीडियो बनाया करें पहले इतना अच्छा से बना हम लोग का देखा देखिए हम देख अब पता नहीं वो लोग देखा है कि नहीं जैसे हम लोग पहले करते थे ना एक ही जैसा कपड़ा पहन के एक ही जैसा ये करके करते थे इतना अच्छा लगता था पहले के वीडियो में खुद देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सही बात है कि अभी वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है डालेंगे अब थोड़ा सा निश्चित अभी भी निश्चित नहीं है निश्चित नहीं है जब तक अपने घर में नहीं चली जाओगी तब तक नहीं वो अलग बात है लेकिन हम मैं सोची थी कि इस घर में आ जाऊंगी तो मैं वीडियो रेगुलर ये मतलब कि जैसे बनता है वीडियो वैसे बनाऊंगी जैसे हम लोग पहले बनाए थे वीडियो उसी तरह से बनाऊंगी तो अब क्योंकि न्यू मम्मी भी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी तो एडिट कर लेती है ना वीडियो तो डाली क्यों नहीं अब मैं क्या बोलूंगी हमारे फैमिली वाले भी पूरे देखते हैं लोग जो देखता है लोग वो लोग भी एकदम क्या बात हो गया वीडियो नहीं जाता है ना तो उन लोगों को लगता है कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ेगा और नया चैनल हम लोग बना रहे हैं जैसे ही बन जाएगा आपको नाम बता देंगे ये सब सब एकदम हो गया है मसाला पक गया है और इसमें डालेंगे इंस्टेंट मतलब की फ्रेश क्रीम है अमूल का खाली वो कर दो बेटा हमको नहीं आता सोती हुई शगुन को जगाने में मजा ही आ रहा है सो जाना फिर बस ये ईस्ट को बीस्ट में मिला दो ठीक है फिर उसके बाद सो जाना ठीक है जाओ तुम्हें आजादी दी रात का खाना अभी तो बना दे रहे हैं रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा आराम से जाना पैसे करना है हाँ। कोई नहीं फिर तो जाना बेटियों तो नहीं कहती क्या है सगुन कोची सरोगेट मदर की सरोगेट मदर सरोगेट मदर ऐसा बोलती है शगुन बोलती है शगुन ये डाल दिए लगा देते हैं इसको और थोड़ा सा हल्का सा चीनी डालेंगे इतना सा चीनी क्या चीज के लिए नान नान सेम सेम बर्थडे नाम कहते हैं हिंदी में कुलचा कहते हैं मराठी में
लोचो नहीं सिंपल सी बात है, पेट से उसको रोटी कहते हैं। चलिए अब मैं जाती सोने, क्योंकि मुझे बीच में से जगाया गया था एक कीड़ा फार्म करने के लिए। तो हो गया है पूरा अच्छा से, मतलब क्रीम डालने के बाद भी ये कलर अगर आ जाए ना तो फिर ठीक है, ये हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे पानी पहले, ये लगता है कि काफी दिनों के बाद हम बना रहे हैं, है ना, बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद। राखी पे बना दी थी, हाँ राखी पे या बर्थडे वर्डे में हम बनाते थे जब मामू जी नहीं खाता था। हमारे ब्लॉग में आप लोग को सच्चाई मिलेगी, क्योंकि जब मसाला भून रहे थे उसी वक्त नमक डालना था, तो क्रीम खराब हो गया था, तो उसको फेंकने लगे और उसमें भूल गई मैं, क्रीम और मसाला के चक्कर में भूल गई, तो नमक डालना भूल गई थी। क्रीम तो डाल ही दिए बाद में, लेकिन अब मसाला डाल नमक डाल के भूलना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी नमक डाल दे रहे हैं। चीनी डाले उसी वक्त नमक डालना था, भूल गई। तो ये खोल गया है पूरा, तो अब इसमें ये फ्राई किया हुआ, काफी देर हो गया है मतलब कि करते करते ये फ्राई किया हुआ डाल देंगे पूरा। रस्सा तो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा देर नहीं इसको खोलाएंगे, बस हो जाएगा इसमें जब तक मेल्ट होके, क्योंकि नान के साथ खाना है तो फिर थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा तो अच्छा। हाँ कम रहेगा तो थोड़ा सा ड्राई टाइप से सूखा सूखा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा खोल जाएगा उसके बाद बंद कर देंगे। और ये शुभम अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ईस्ट डाल के आटा सान रहे हैं, कड़ाही सानना ये कैसे सानना है, थोड़ा देर अभी इसको छोड़ेंगे उसके बाद। देखिए नान का असली स्वाद तो आता है ढाबे वालों में, ठीक है, पसीना की नींद में काम होता है, खराब काम होता है ना। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, वो रोटी है ना, नमक डाला हुआ है ना कुछ डाला हुआ है। अच्छा तो अभी क्या किया? नमक डाले हैं, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाले हैं, दम रोटी जैसा बना हुआ। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या अभी रखना है इसको? खमीर उठाई नहीं है तो कहाँ सुन जाएगा, ये सब तो बना है कुछ नहीं। वही मुझे स्मेल आया तो मैं आया, खुलाई नहीं है। मम्मी आप आटा क्यों सान रही हो? मैं सान देता हूँ ना, आप छोड़ दो। अब ये खमीर उठा है, कहते हैं ना ज्यादा सागिर ज्यादा उस्ताद से बात करो ना तो उस्ताद कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो वही हमारे उस्ताद फेल हो गए, तो हम अपने से खुद किए। अब ये है ठीक, अब देखते हैं, लेकिन बना के देखते हैं अभी, क्योंकि काफी दिन हो गया नान बनाए हुए। यह ठीक है, हाथ पे नहीं हो पाता है तो मैं बेल लेती हूँ, हाथ से नहीं हो पाता है। खींचो उसको, ऐसा ऐसा खींचते हैं ना, तब मैदा वाला रहता है तो ठीक रहता है। अच्छा आटा वाला मैदा ना खींचा जाता है, आटा जहाँ का तहाँ रहेगा, और आटा वाला ठीक रहता है। तवा पे ही बना रही हूँ, क्योंकि कुकर ये सब का उतना हमको आइडिया नहीं है। क्यों नहीं आइडिया? पहले बनाती नहीं थी? बनाते थे कुकर में, हम जल जाता है कुकर से, तो तवा पे ही ठीक रहता है। गरम हो जाए थोड़ा सा, तो सब्जी बन गया है। अब ये नान थोड़ा सा खमीर ये डाल के अब देखते हैं कि होता है ठीक कि नहीं, पहले तो नहीं अच्छा से हुआ है, अब हो जाना चाहिए। अब ये फूला है, देखो अब हुआ है ये थोड़ा सा, मैंने थोड़ा ठीक हुआ है। बटर लगा? बटर तो खाने वक्त लगा देंगे, अभी कड़ा हो जाएगा। मैं तो खाने जा रहा हूँ। हाँ तुम खाने जा रहे हो, बहुत अच्छा हो गया। 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु थिंक्स कि मम्मी ही सब कुछ कर सकती है, हम लोग नहीं। मतलब नहीं सॉरी उल्टा बोल गया ना, हम लोग सोच रहे थे, मतलब मैंने सोचा कि मैं बना लूंगा मम्मी जैसा, वैसे मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा ठीक सा, बट एक और बनाया है उसकी हालत खराब हो गई। ये चप्पल जैसा बन गया। और ये मैदा है नहीं, आटा ही है तो खराब नहीं होगा भाई, मुझसे तो नहीं चिपका, डैडी और मैं ऐसा कर रहे थे वो उसी के ऊपर लेटा पड़ा था। कैसा बनाया मम्मी? मम्मी इधर कैसा बना है? कौन सी कैसा बना है? नान नान बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है भाई, कुछ कुछ कला होती है जो माँ के हाथ में होती है, हम लोग नहीं हो पा रहा। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आवर चैनल।